बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। क्या हाल चाल आप सब के? तो ये जो अभी मैं आपको सामने जो पौधा दिखा रही हूँ ना, क्योंकि मैं एलोवेरा इसमें से काटने वाली हूँ और एलोवेरा के साथ आज हम बड़े मज़े की चीज़ें करने वाले हैं। हेयर मास्क बनाएंगे, क्लेंजर बनाएंगे और फेस मास्क बनाएंगे। जिसको भी एलोवेरा सूट करता है वो जी तोड़ लें एलोवेरा जेल, एलोवेरा के पौधा से तोड़ लें एलोवेरा और फिर शुरू हो जाए मेरे साथ। तोड़ने के बाद यानी कि काटने के बाद इसको अच्छे से वॉश करना है और वॉश करने के बाद मैं इसके पीसेस करूँगी 3 से 4 पीस, क्योंकि मुझे एक हेयर मास्क बनाना है, एक मैं बनाऊँगी क्लेंज़र और एक बनाएंगे मास्क, फेस मास्क। तो उसके लिए मैं 3 से 4 पीस काफ़ी होंगे। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि जिनको भी एलोवेरा ज़्यादातर स्किन को सूट कर जाता है, लेकिन जिनको नहीं करता सूट, तो फिर जो है वो क्या करें, वो फिर इसको ना करें। आपको खुद पता होगा कि आपको क्या चीज़ सूट करती है और क्या नहीं करती। तो इसके जो है मैं साइड्स काट लूँगी और फिर ऊपर से जो है इसका एक छिलका उतार लूँगी और फिर उसका जो है हम जेल निकालेंगे। वैसे तो मेरे पास एलोवेरा जेल होता ही है पड़ा हुआ, यानी कि जो बाज़ार वाला होता है, बट फ्रेश जो है वो भी कभी कभी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसका रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग होता है। इसके रिज़ल्ट की बिल्कुल अलग बात होती है बजाय उसके जो हम बाज़ार से लेते हैं। तो इसका जेल इस तरह करके आपने निकाल लेना है। ये जो है मैं निकाल रही हूँ हेयर मास्क के लिए, इसी बोल में मैं बनाऊँगी हेयर मास्क। तो इस तरह करके आपने जितना भी इसका जेल है वो निकाल लेना है। वैसे ज़्यादातर स्किन टाइप्स को जो है एलोवेरा सूट कर जाता है। इसके जो रिज़ल्ट हैं, अगर आप इसको डेली ये फ्रेश वाला यूज़ करें ना, तो इसके रिज़ल्ट बहुत अमेजिंग है। तो ये मैंने एलोवेरा जेल निकाली। अब जो हेयर मास्क के लिए मैं इसमें क्या डालूंगी, इसमें मैं डालूंगी थोड़े से लेमन के ड्रॉप्स, 5 से 6 कतरे, यानी कि जितना भी आपने डालना है लेमन, क्योंकि वैसे भी गर्मियां हैं अभी और बालों में बहुत ज़्यादा सीबम वगैरह और बालों में स्मेल भी आती है, डैंड्रफ वगैरह का भी इशू होता है। तो इस लेमन जो है वो उस चीज़ में हमें हेल्प करेगा। और इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी दही। दही जो है वी ऑल नो बालों के लिए कितना ग्रेट है। मुझे तो मेरे बालों को तो दही बहुत ज़्यादा सूट करता है और दही मेरी स्किन को भी सूट करता है। तो दही के मैं तकरीबन इसमें 4 चमचे डालूंगी, क्योंकि जो है वो मेरे बालों की लेंथ ज़्यादा है। अगर आपके बालों की लेंथ छोटी है तो आप इसमें जो है वो 3 चमचे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ वो 4 चमचे डालूंगी दही के। और फिर इसको करेंगे अच्छे से मिक्स, लगाएंगे इसके बालों में और फिर छोड़ देंगे आधे से 1 घंटे के लिए, जितनी भी देर के लिए आप चाहें छोड़ दें, और फिर उसको शैम्पू से वॉश कर लें। सो ये जो है हेयर मास्क तैयार हो रहा है। एक दिन आप भी निकालें अपने लिए एलोवेरा, अगर आपको सूट करता है, अगर आपके पास एलोवेरा का पौधा है आस पास, मेरे पास नहीं था तो मेरे सामने आंटी के पास था, मैंने उनसे लिया, तो उसको लें और अपना डे मनाएं एलोवेरा का, जैसे कि हम आज मना रहे हैं अपने चैनल पे एलोवेरा डे मना रहे हैं। उससे एलोवेरा से बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और जो जो यूज़ करता है वो मुझे बताया और रिज़ल्ट भी बताया मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसे रिज़ल्ट मिलते हैं एलोवेरा के, आपको सूट करता है नहीं करता। जिनको करता है उनके लिए द बेस्ट है। तो इसको अच्छे से मिक्स करना है। अब जो है मैं बनाऊंगी क्लेंज़र। क्लेंज़र के लिए मैंने एक पूरी फांक ली है एलोवेरा की, इसको मैं जेल नहीं निकाल रही, इसको इसी तरह रखेंगे और इसके ऊपर मैं डालूंगी लेमन के ड्रॉप्स, 3 से 4 लेमन के ड्रॉप्स डालूंगी और इससे हम करेंगे क्लेंजिंग। अगर आपको लेमन सूट नहीं करता तो फिर आप उस पर थोड़ा सा चावल का आटा छिड़क के फिर क्लेंजिंग कर सकते हैं। वो भी नहीं सूट करता तो फिर खाली एलोवेरा का ये लें और शुरू हो जाएं क्लेंजिंग करना। इसको मसाज करें, सर्कुलर मोशन में मसाज करें अपने फेस के ऊपर 5 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर जो है वो ये वैसे भी ड्राई हो जाएगा, या तो इसको हटा लें या फिर फेस वॉश कर लें। तो इसको जो है हम मसाज करेंगे फेस के ऊपर सर्कुलर मोशन में। आप देख सकते हैं मेरा हेयर मास्क भी लगाया है, क्लेंजिंग में कर रही हूँ साथ साथ। इसके बाद फिर फेस मास्क लगाएंगे एंड वी आर डन। फेस मास्क के लिए क्या करना है, फेस मास्क के लिए अगेन एलोवेरा जेल है मेरे बोल के अंदर। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चमचे के करीब ऑरेंज पील का पाउडर, कीनू के छिलकों का पाउडर। ये मैंने ड्राई करके रखे हुए थे जब से, तो ये मेरे बहुत काम आ रहे हैं। तो ये जो है ये डलेगा। और इसके अलावा इसमें क्या डलेगा, इसके अलावा मैं इसके अंदर डालूंगी बेसन। अगर आपको आपके पास, मेरा ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, वैसे मैंने इसमें 2-3 चीज़ें मिक्स करके रखी हैं। सो अगर आपको जो है वो लेमन पील यानी कि ऑरेंज पील नहीं मिलता, तो फिर मास्क के लिए आप इसके अंदर खाली बेसन डाल लें या फिर चावल का आटा डाल लें, कुछ भी डाल लें, लेकिन ऑरेंज पील और एलोवेरा का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। मेरी फ्रेंड ने भी यूज़ किया था और उसको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला था। सो इसके बाद जो है लास्ट जो इसमें ऑप्शनल चीज़ है वो मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा आलमंड ऑयल, क्योंकि आलमंड ऑयल मुझे सूट करता है, मेरी थोड़ी कॉम्बिनेशन टाइप स्किन है। आपको बिल्कुल ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना, आपके पास नहीं, आपको ऑयली स्किन है तो आप ऑयल ना डालें, आप इसमें रोज़ वाटर डाल के इसका अच्छा सा पेस्ट बना लें। तो ड्राई स्किन वाले ये डाल सकते हैं आलमंड ऑयल, कोई भी ऑयल, लेकिन अगर आपकी ऑयली या नॉर्मल स्किन है तो आप इसमें रोज़ वाटर डाल के भी इसका पेस्ट बना लें। ऐसा पेस्ट बना लें कि आपके फेस पर अच्छे से लग सके, यानी कि गिरे नहीं और इतना भी ना हो कि लगाने में मुश्किल हो। सो फेस मास्क रेडी है, इसको लगाएंगे और फिर 15 से 20 मिनट बाद इसको फेस वॉश करेंगे और अपना हेयर मास्क जो है उसको भी वॉश करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमारा एलोवेरा डे आज का कैसा गुजरा।
हाँ जी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एलोवेरा का डे। और अगर मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू दूँ इसके बारे में, क्योंकि मुझे काफ़ी अब घंटे हो चुके हैं उसको लगाए हुए, तो मेरे बाल बड़े सॉफ्ट हो गए हैं, बड़े अच्छे मैनेजेबल हो गए हैं, जो शैम्पूस और बहुत अच्छे अच्छे कंडिशनर्स से भी नहीं होते। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है बालों में। इसके अलावा फेस की बात करें तो फेस मेरा इस वक्त बड़ा ग्लो कर रहा है, काश मैं आपको दिखा सकती। अगर आपने देखना है तो आपने मेरे इंस्टा पर मुझे फॉलो करना होगा। सो लिंक नीचे है, चाहे तो फॉलो करें, ना चाहें तो ना करें, कोई मसला नहीं है। सो बताने का मकसद ये है कि द बेस्ट रिजल्ट मिले हैं मुझे दोनों चीज़ों के, हेयर मास्क की भी, क्लेंजर की भी और फेस मास्क की भी। सो आपने ट्राई करना है, आपको सूट करता है तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे ज़रूर बताना है आपने इसका रिजल्ट। आप इसको हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, दो बार भी कर सकते हैं, लेकिन दो से ज़्यादा बार नहीं कर सकते, क्योंकि ये पूरी जो है क्लेंजिंग और मास्क, क्लेंजर आप रोज़ लगा सकते हैं ऑब्वियसली एलोवेरा के फॉर्म में, लेकिन जो है वो हेयर मास्क और फेस मास्क हफ्ते में एक या दो बार ही काफ़ी होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सो अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।